हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज फूड। आज मैं आपको रसगुल्ले घर में बच गए हैं, कोई नहीं खा रहा है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक से ना आपके घर में एक भी रसगुल्ला नहीं बचेगा, सब ख़त्म हो जाएंगे। इन रसगुल्लों जो बच गए हैं, इन रसगुल्लों को जो कोई नहीं खा रहा है, उनकी हम रसमलाई बनाएंगे और मैं आगे बताऊंगा कैसे रसमलाई बनानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। हमें रसगुल्लों को क्या करना है, एक प्लेट में, बर्तन में, किसी बर्तन में निकाल लेने हैं जो हमारे रसगुल्ले हैं, और हमें दूध है और दूध को गाढ़ा कर लेना है, गाढ़ा पका लेना है। ऐसा पका लेना जैसे बनाना शेक या मैंगो शेक होता है, इतना गाढ़ा हमें बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और जो हमारे रसगुल्ले हैं, उन रसगुल्लों को एक एक करके हमें जितने भी हैं उनकी चाशनी निकाल लेनी है। ऐसे दबा के पुश करके देखिए, या आप किसी और तरीके से है तो उससे भी कर सकते हैं। और जब चाशनी निकालेंगे तो हमारा रसगुल्ला फट सकता है, फट जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, फट जाने दो। और जो हमारा इनके हम चाशनी निकालेंगे, और जो हमारा गाढ़ा दूध होगा, गाढ़ा दूध को गर्म नहीं रहने देना है, उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा जब हम उसको कर लेंगे, देखिए ड्राई हो जाएंगे हमारे ये रसगुल्ले, और उसको जब ये ड्राई हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, उस गाढ़े दूध में, ठंडे में हमें इन्हें ऐसे डिप कर लेना है, डुबो देना है इनको। और चीनी नहीं डालनी है दूध में, चीनी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए उसमें चीनी नहीं डालनी है। और इसको क्या करना है, इनको हम ऐसे डिप कर लेंगे एक एक करके, अगर नहीं डूबते उनके ऊपर से चम्मच से स्पून से हम उसमें, और भी ऊपर से हम उसको रस मलाई को इनके ऊपर डाल देंगे इस मलाई को, और 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। और जब हम फ्रिज में रखेंगे तो हमारी रसमलाई कुछ निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखिए जो हमारी ये वीडियो है इसमें, ये देखिए जो आ गया है यहाँ पर, ये निकाल के हम रखेंगे, 2 घंटे बाद हमारे जो रसगुल्ले एकदम फूल जाएंगे, ये देखिए फूल जाएंगे हमारे रसगुल्ले, एकदम फूल चुके हैं, अच्छे से बन गए हैं, और ये रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है। बच्चे बूढ़े घर में किसी को भी, सबको खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है।